सो गाइस आप चाहते हो कुछ इस टाइप के फोटो एडिट करना गाइस, फेस इसमें फोटो एडिट का आप लोग रिक्वेस्ट वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर आप नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आप तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग ओरिजिनल पिक को आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड आप लोग अपने फोटो को ओरिजिनल पिक को आप लोग शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो गाइस ऑटोडेस्क स्केच बुक में आ जाने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ से आप लोग लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड गाइस आप लोग ना इस वाले लेयर को आप लोग ना डिलीट कर दीजिएगा गाइस कुछ इस टाइप से। तो गाइस कुछ इस टाइप से डिलीट कर देने के बाद सिंपल से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एंड गाइस आप लोग इसको ब्लेंडिंग मोड को ना सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग बैक आ जाइएगा। एंड गाइस आप लोग कलर वाले ऑप्शन पर आके एंड यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस ग्रीन कलर को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आप लोग इस वाले ब्रश मीडियम ब्रश में आप लोग कुछ इस टाइप से मीडियम ब्रश को सेलेक्ट करके एंड आप लोग साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने सॉल्ट या पिक्सल के ऊपर ऐड कर लीजिएगा इस टाइप से इस वाले इफेक्ट को। तो गाइस हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने कपड़े के इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से इतना हो जाने के बाद ना आप लोग उसी टाइप से ओपेसिटी को अपने फोटो को हिसाब से रख सकते हैं गाइस। तो आप लोगों को जितना मर्जी उतना रख सकते हैं गाइस। तो हम लोग 100 रख करके यहाँ से आप सिंपल से इसको मर्ज कर देंगे एंड गाइस फिर से हम लोग गाइस प्लस वाले ऑप्शन लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपल से इस वाले लेयर पर क्लिक कर देंगे एंड गाइस फिर से हम इसको भी रख लेंगे सॉफ्ट लाइट। तो इसको इस टाइप से हम लोग ना कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड गाइस फिर से हम लोग मीडियम ब्रश को सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप के साइज को हम लोग थोड़ा सा प्लस कर लेंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप के फेस के इस वाले वाइट इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग भी ऐड कर ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फेस के ऊपर ऐड कर लीजिएगा। तो इतना हो जाने के बाद ना इसको भी आप लोग मर्ज पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग क्लिक कर दीजिएगा इस ब्रश वाले ऑप्शन पे एंड गाइस आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा इस मर्ज वाले ब्रश को। तो गाइस आप लोग ना कुछ इस टाइप से साइज कर लीजिएगा और जस्ट अपने फोटो के हिसाब से। तो गाइस हम लोग इतना रख ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से ना आप लोग अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग अच्छे तरीके से फेस जो है उसको स्मूथ कर ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग साइज थोड़ा सा छोटा रख लीजिएगा अपने फोटो को अराउंड एंड आप लोग अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से हम लोग इतना स्मूथ कर लेने के बाद ना यहाँ से हम लोग आ जाएंगे सिंपल से यहाँ से हेयर वाले और इस वाले ब्रश को हम लोग सेलेक्ट करके एंड कुछ इस टाइप से आप लोग साइज 20 करीब रख लीजिएगा एंड यहाँ से बैक आ जाइएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने हेयर को एडिट कर लीजिएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा साइज गाइस छोटा कर लेंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने हेयर पे कुछ इस टाइप से ऐड कर लीजिएगा। देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग अपने फोटो को हेयर को एडिट कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी एडिट कर लीजिएगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड अदर पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग अपने फोटो को ना शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपल से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड मिक्स पे क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग सेचुरेशन को ग्रीन कलर को सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से प्लस कर लीजिएगा एंड गाइस इतना हो जाने के बाद सिंपल से रेड वाले कलर को सेचुरेशन को आप लोग माइनस कर दीजिएगा 100 एंड गाइस कुछ इस टाइप से ऑरेंज कलर को सेचुरेशन को माइनस एंड लुमिनेंस को प्लस कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग ऐड कर ले रहे हैं आप लोग अच्छे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम लोग ऐड कर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से एंड आप लोग भी अपने फोटो को अराउंड आप लोग अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग अच्छे तरीके से ऐड कर ले रहे हैं आप लोग सेचुरेशन को माइनस कर दीजिएगा 100 माइनस फिर से हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस करके एंड क्लैरिटी को भी थोड़ा सा प्लस कर लेंगे किसी टाइप से एंड गाइस विनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा सा विनेट अमाउंट को किसी टाइप से माइनस करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से कलर नोवाइजेशन पर क्लिक करके एंड स्मूथनेस को 100 एंड डिटेल्स को 100 कर लेंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना फोटो को शेयर कर लीजिए गाइस।
गाइस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे सिंपल से पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से आप लोग ना स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस यहां से आप लोग सर्च कर लीजिएगा गाइस कुछ इस टाइप से रेड बैकग्राउंड। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग भी रेड बैकग्राउंड सर्च कर ले रहे हैं। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी रेड बैकग्राउंड को सर्च करके एंड गाइस कुछ स्टेप्स यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस कुछ स्टेप्स हम लोग रेड बैकग्राउंड को ऐड कर ले रहे हैं इस वाले बैकग्राउंड को। एंड गाइस कुछ स्टेप्स ऐड करने के बाद सिंपल से आप लोग अपने सनग्लासेस के ऊपर कुछ स्टेप्स ऐड करके एंड गाइस आप लोग ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करके एंड इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड गाइस कुछ स्टेप्स पे थोड़ा सा गाइस हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग सनग्लासेस के ऊपर चला लीजिएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोग अपने सनग्लासेस के ऊपर चला लीजिएगा। इतना हो जाएगा सिंपल से आप लोग ओपेसिटी को 100 कर लीजिएगा। एंड गाइस यहां से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस सिंपल से आ जाएंगे हम एडिटर वाले ऑप्शन पे। एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना यहां से हेयर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से रेड कलर को। एंड इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे हम लोग। एंड गाइस सिंपल से आप लोग मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से आप लोग ना अपने लिप्स के ऊपर जो होगा आप लोग इस रेड इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो गाइस कुछ इस टाइप से रेड इफेक्ट को ऐड करके एंड गाइस हम लोग सैचुरेशन को थोड़ा सा वहाँ गाइस प्लस कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप से। तो गाइस इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अपने फोटो को एडजस्टमेंट करके यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड गाइस हम लोग फोटो को सेव कर लेंगे। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।